हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 112 नंबर पे हैं। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब है एकदम किनारे पे, वर्ज का मतलब होता है किनारा, सो इसको कहा जाता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, होने ही वाला है, कॉर्नर पे हैं, एंडिंग पे हैं, बस अब नजदीक पहुंचने वाले हैं। सो ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब है जस्ट नजदीक पहुंचने वाले हैं, मंजिल के नजदीक हैं, किनारे पर हैं, उसे कहा जाता है ऑन द वर्ज ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपकी प्यारी किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। लगातार चलती जा रही जो किताब है उसे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर आप इसे कंप्लीट करिएगा। देखिए, जहां तक मेरी संभावना है दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इसे कंप्लीट ही करवाऊंगा। एक एक चीज जब आपके साथ जुड़ी हुई है तो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर क्वेश्चन के बढ़ा दीजिए नंबर या ऐसा कुछ भी। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, हम जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, उन्हें आप आराम से देख पाएं, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख पाएं। मैंने ऐसा देखा है कई बार एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन घंटे की जो क्लास होती है उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, और उसमें भी जब ये रिकॉर्डेड क्लास हो तब। अगर लाइव क्लास हो तो मैं डेफिनेटली आपको जोड़े रख सकता हूँ, बांधे रख सकता हूँ, चीजें समझा सकता हूँ, बट रिकॉर्डेड क्लास है तो जितनी लिमिटेड हो, समय की हो, उतना अच्छा है। ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही हमारे वीडियोस कंप्लीट होते हैं हम एक कंबाइंड वीडियो भी बना लेते हैं पूरे चैप्टर का, तो जिनको पूरा वीडियो एक साथ देखना है वो ऐसे देख ले, अदरवाइज छोटे छोटे वीडियोस देखता चला जाए। आगे मैं बढ़ूंगा, बढ़ता मैं रहूंगा, और आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं, आज की मिठाई भी खानी है। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात कहूंगा दोस्तों कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। दोस्तों हम चैलेंजेस को लिमिट करने की बात करते हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं वो लिमिटेड हो जाएं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वर्ड सुना होगा आपने, फ्रिक्शन। लाइफ में अगर फ्रिक्शन होता है, लाइफ को छोड़ो, अगर हमारे टायर में फ्रिक्शन होता है तो वो आगे बढ़ता है, हमारे जूतों के नीचे अगर घर्षण होता है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमारा जूता भी बहुत स्मूथ हो जाए, नीचे की रोड भी अगर स्मूथ हो जाए, तो साइंस ऐसा कहती है कि जीरो फ्रिक्शन का मतलब है जीरो मूवमेंट। आप उसी जगह पे चलते चले जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं ना, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, अगर ऐसा पॉजिटिव मोटिवेशन आप रखेंगे, अगर ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखेंगे कि भगवान आपको चैलेंजेस दे रहा है कि वो आपको और स्ट्रांग बना सके। सोने को अगर और ज्यादा निखरना है तो दोस्तों उसको भयंकर गर्मी के अंदर पिघलना पड़ता है। ये जो गर्मी है उसमें एक निखार लेके आती है, उसे आभूषण में तब्दील करती है, और वह आभूषण आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये संघर्ष आपकी जिंदगी में है तो वो संघर्ष आपकी जिंदगी को निखारने के लिए और आप में से बेहतर निकालने के लिए। आपको अगर चैलेंजेस मिलेंगे, दैट मींस आप अंदर से और बेहतर चीज को बाहर निकाल के लेके आएंगे। चैलेंज योर लिमिट्स, ये दूसरी बात है जो वो कहना चाह रहा है कि आपकी लिमिट्स को चैलेंज करिए, आपके चैलेंज को लिमिट मत करिए। आपकी जो लिमिट है उससे और ज्यादा बढ़ के बाहर कैसे आएंगे, जब आप उन चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे। तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पॉजिटिव बने रहना चाहिए। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, जस्ट चैलेंज योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को और बढ़ाइए, अपनी बार को रेज करिए, ये जरूर कहना चाहूंगा। इस बुक के माध्यम से दोस्तों हमने ये कोशिश की है, मैंने कई बार ऐसा जिक्र किया है कि हो सकता है शुरुआत जब हमने सोची होगी इस किताब के बारे में बहुत भारी लगी होगी, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपका ये पहला वीडियो है आज मेरा इस बुक के साथ, तो दोस्तों अभी तो बहुत सारे वीडियोज मैं पहले बना चुका हूं, 400 से अधिक इस बुक के ऊपर वीडियोज बन चुके हैं, आगे भी बनते चले जाएंगे। आप बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आज की मिठाई हम खाएंगे दोस्तों, आज की मिठाई है मेंशन। मेंशन एक वर्ड है, शायद आपने जरूर सुना होगा, विला, वी आई एल एल ए, विला, एक तरह का बंगला, एक तरह का मेंशन कहते हैं उसे, अ लार्ज एंड इम्पोजिंग हाउस, एक बहुत ही बड़ा सा विशाल सा घर जो बहुत ही रेजिडेंस है, लोगों के निवास है, रहने के लिए है, और आलीशान टाइप का है, रॉयल टाइप का है, उसे कहते हैं मेंशन। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका एक और मीनिंग निकल के आता है, जब जोडियक के साइन होते हैं उनको 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो एक भाग को कहते हैं मेंशन, तो ये मेंशन उसे भी कहा जाता है।
आपने सुना होगा ना, आपके 11वें घर में, आपके 12वें घर में, ये घर क्या है दोस्तों? एक्चुअली एक मेंशन है। तो अब आप एक सिंपल सा काम करिएगा, इस मेंशन से एक सेंटेंस जरूर कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। मैं लिए चलता हूं आगे दोस्तों, आगे ही आगे लिए चलता हूं आपको 113 नंबर पे, आउट ऑफ थिन एयर। थिन एयर यानी पतली सी एयर, एकदम से अचानक से कोई चीज आ जाना। आप तैयारी करते जाइए दोस्तों। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आउट ऑफ थिन एयर कभी भी कुछ भी कॉम्पिटिशन आ सकता है आप लोगों के लिए। इंतजार मत करिए कि आपका कोई वैकेंसी आएगा और उसके बाद पढ़ने बैठेंगे आप। आउट ऑफ थिन एयर कभी भी कोई भी वैकेंसी आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, हर इडियम के साथ साथ आपको एग्जाम्पल देता चला जाऊंगा। चलिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू जनरली होता है अचानक से, एकदम से, आपने सोचा नहीं। अच्छा, आउट ऑफ थिन एयर अपीयर सडनली, चलो इसका आंसर तो बता दूं मैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है, बोल्ट का मतलब एकदम से धक्का लगना, ब्लू का मतलब है अचानक से, एकदम से, सोचा नहीं था आपने, अनएक्सपेक्टेड सा, एकदम से कोई भी अनप्लीजेंट सी घटना घट गई, आपदा विपदा आ गई, और वो भी अचानक से, न तो आप प्रिपेयर थे, ना आपने सोचा था, सोचा नहीं था, और एकदम से कोई आपके सामने उपस्थित हो चुकी। समथिंग अनएक्सपेक्टेडली अनप्लेजेंट, एकदम अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, जो सोचा नहीं था, जो नॉट सो सुहावना सा था, वो एकदम से सामने आ गया, उसे कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए और आगे बढ़ा जाए दोस्तों, टच एंड गो। जनरली टच एंड गो ऐसे समझ लीजिए, एक हवाई जहाज होती है, एरोप्लेन होती है, वो नीचे आ रही होती है, जमीन पर आ रही होती है, एकदम से जमीन को टच करती है और फिर से उड़ जाती है। तो ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हम जानते नहीं है, अनसर्टेन है, सोचा कुछ और, हुआ कुछ और, रिजल्ट देगा लेकिन क्या देगा ये हमें नहीं मालूम है, रिस्की है कोई चीज, रिस्क के साथ है, इसको कहते हैं टच एंड गो। अगर कोई चीज रिस्क के साथ है, अनसर्टेन एज टू द रिजल्ट, रिजल्ट क्या देगी ये पता नहीं है, टच करके रुक जाएगी या चली जाएगी, वी डोंट नो, सो उसे कहा जाता है टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब है रिस्की सा रिजल्ट जिसका अनसर्टेन है, उसकी बात कर रहे हैं। 116 नंबर है दोस्तों, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, किसी के पीज एंड क्यूज को माइंड करना, ध्यान देना, हर एक बात का ध्यान देना, केयरफुल रहना, पोलाइट रहना। कोई ऐसे पर्सन होते हैं दोस्तों जो इनका मालूम है कि वो छोटी सी बात पे गुस्सा हो सकते हैं, वो आपकी छोटी सी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हर छोटी बड़ी बात पे आपके ध्यान देंगे, तो उनके साथ आप एकदम केयरफुल रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, विनम्र रहेंगे, आप उनकी हाँ हमें हाँ मिलाएंगे, जी हजूरी करेंगे, तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, यानी उसके छोटे छोटे पीज और क्यूज का भी ध्यान देंगे, केयरफुल रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, उसे कहते हैं टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। टू गो फॉर द जगलर, टू गो फॉर द जगलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप डिस्ट्रक्टिव अटैक कर रहे हैं, एकदम से अटैक करना चाहते हैं, किसी को तबाह करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, तबाही के लिए किया गया आक्रमण कहलाता है टू गो फॉर द जगलर। जगलर जनरली आपने देखा होगा दोस्तों, जगल क्या होता है? जगलिंग करना। जगलिंग करने का मतलब आपने देखा होगा बॉल्स को जगल किया जाता है, तो गो फॉर अ जगलर का मतलब है एकदम से आपने तबाह करने के दृष्टि से किसी पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर लिया, उसे कहा जाता है टू गो फॉर द जगलर। लीड समबडी टू द अल्टर, ALTAR, ये वर्ड आपने शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। भगवान की वो पवित्र वेदी जहां भगवान की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, जहां पे जनरली भगवान को रखा जाता है, आमतौर पे ये क्रिश्चियंस में यूज लिया जाता है अल्टर, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित करते हो आप, और वहां पे आपको ध्यान हो, जो क्रिश्चियंस की आमतौर पे मैरिज होती है वो चर्च में होती है, चर्च के अंदर अल्टर के नीचे होती है, अल्टर के पास में होती है, साइड में होती है, तो वहां पे कब जाते हैं? जब आप शादी के लिए लेके जा रहे हैं, टू मैरी समबडी, किसी से शादी करने के लिए कहा जाता है टू गो टू द अल्टर। अब तो वहीं जाना पड़ेगा मेरे भाई, कहां? अल्टर के पास। आज का आखिरी है दोस्तों, द प्राइम रोज पाथ। रोज आता है गुलाब के लिए, और गुलाब का जो पाथ होता है वो पता है आप लोगों को, बहुत ही आराम से सुहावना सा होता है, कोई ऐसी ऐसी चीज जहां आप सुहावने पथ की, सुहावने जिंदगी की प्रार्थना कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसका उस तरफ जाना चाह रहे हैं जो आसानी से हो जाए, जो काम बहुत ज्यादा आपको टफ ना पड़े, जिंदगी थोड़ी सुहावनी सी हो जाए, ईजी वाली हो जाए, उसके लिए आता है द प्राइम रोज पाथ, यानी द परस्यूट ऑफ प्लेजर। प्लेजर चाहते हैं लाइफ में,
सुकून चाहते हैं, सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, इधर उधर उथल पुथल नहीं चाहते हैं, द प्राइम रोज पाथ उसे कहा जाता है, प्रिम रोज पाथ उसे कहा जाता है। तो यहां पे आज का अध्याय, आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपको, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आगे के इडियम्स को करेंगे। बस आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।